जम्मू तो बेटर है, कश्मीर का पता नहीं मैडम। और सबसे बेस्ट हम जो माता जी के मंदिर में गए थे, कालका माता मंदिर में, वहाँ की व्यवस्था और सब इतनी शानदार लगी कि बस वो मन में बस गया है। बावे वाली माँ, ओ मैं दसने जानी हाँ, ओ ऊपर किला लबारा पहाड़ी दे ऊपर माँ बावे वाली का दरबार हर किसी की पसंद आंदा। और माँ और यहाँ की इतनी ज्यादा मान्यता है कि आप कुछ भी मांगो माता रानी जरूर पूरा कर भी जाएंगे, माता रानी हमको वापस दोबारा बुलाएगी फिर आएंगे। नमस्ते आऊंगा प्रज्ञा स्लोत्रा ते तो सारे लोग दिखा करते हो सिद्धि लकीर। मैं इस पहले सूर्य पुत्री तवी दे कंडे की खलोतरी है और मेरे पीछे तुम देख ही सकते हो हर की पौड़ी मंदिर है जिथे सारे टूरिस्ट जेड़े ना वो जरूर आंदे ना मत्था टेकन ताई। तो इस वेले भी मेरे कन्ने किश परौने साढ़े खलोते दे ना इत्थे बाहरों आए दे ना इंदे कन्ने गलबात करने आ कि जम्मू कनेहा लग्गिया मतलब बावे गेरे। बावे गेरे हां, और फिर हम पास ही एक वो गार्डन है आगे बाबू जी, हां वहां पे भी हमने। आपका क्या नाम है? हिमाक्षी दवे। आप मुझे बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवेंथ। छुट्टियाँ कब तक है? छुट्टियाँ 2 जुलाई तक। मतलब जिस हिसाब से वेदर है जम्मू का, मन कर रहा है कि 2 जुलाई तक बस यहीं रहा जाए। जी बिल्कुल, यहीं रहना है। जब निकलते हैं हम अपने घर से घूमने के लिए तो पहले हम सर्च करते हैं ना कि यार हम इस जगह जा रहे हैं तो इस जगह में और कौन कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ जो देखने लायक है, जहाँ पे हमें जाना चाहिए। यूट्यूब पे हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी फेमस शॉप होगी जम्मू की जहाँ पे खाने के लिए बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी। तो ऐसा कुछ सर्च किया था ट्रेन निकलने से पहले? हाँ किया था। थोड़ी जगह मिला, बहुत सारी जगह मिली थी पर आज तो हमको कटरा भी जाना है तो फिर हमने थोड़ी बहुत जगह ही देखी। अच्छा, तो तैयारी है ना पूरी, चढ़ाई चढ़नी है, बहुत लंबी चढ़ाई है। जी बिल्कुल। आपको क्या नाम है? तनिषा दवे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? थर्ड में पढ़ते हो। आप मुझे बताओ कितने छोटू से आपको जाना है वो माँ वैष्णो देवी के दरबार तक है, आप चलोगे इतना? रात लग जाती है, पता जब मैं गई थी ना रात को चली से सुबह जाके पहुंचते हैं वहां पे। रेडी हो? बोलो, इतनी दूर से आए आप तो जाएंगे ही भाई। हाँ जाना तो पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा। आपका क्या नाम है? गोविंद दवे। हम दोनों भाइयों फैमिली के साथ यहाँ आए हैं। ये मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा। MBBS थर्ड ईयर की स्टूडेंट है। छुट्टियाँ तो यही हैं? नहीं मैं अब्रॉड से कर रही हूँ, अभी छुट्टियाँ आई है 2 महीने की तो यहाँ घूमने आए। कैसा लग रहा है भारत? बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिल रही है। इतने साल भर बाद घर पे आए हैं अपने देश में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जम्मू पहले कभी देखने को मिला? कभी टीवी पे सुना, गूगल पे फोटोज वगैरह देखी है? ऐसे फोटोज वगैरह देखे हैं पर ऐसे आना पहली बार ही हुआ है। आना पहली बार। हाँ जी आप कुछ बता दें। मैं माता रानी के दरबार में पहले भी आ चुका हूँ, मैं सेकंड टाइम आया हूँ। अच्छा। और माता रानी के दर्शन करने के बाद हम पटनी टॉप जाने का प्लान बना रहे हैं। अब अगर मौसम ने साथ दिया तो कल माता रानी के दर्शन करके फिर जब भी टाइम मिलेगा। पटनी टॉप मौसम एहोल, इससे भी अच्छा आपको मिलेगा। बारिश नहीं होनी चाहिए बस। इतनी बारिश नहीं होगी, हल्की हल्की बारिश हो सकती है। बट उसके बाद मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करना चाहूंगी, पटनी टॉप से आगे नथा टॉप भी है और उससे आगे सनासर जगह भी है। कितना वहाँ से डिस्टेंस कितना है पटनी टॉप? ज्यादा नहीं है, आधा घंटा लगेगा आपको कार में और उससे आगे सनासर भी थोड़ा सा ही दूर है। तो मैं बस यही चाहूंगी कि आप जब भी जाओगे आगे जरूर होके नो पॉइंट जाके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल देखिए। आप मुझे बताओ आप जम्मू घूमे हो, जम्मू के लोग भी तो आपको मिले होंगे जहाँ आप खाने के लिए गए या टैक्सी वाले, कैसे लगे आपको जम्मू के लोग? अच्छे हैं और कोऑपरेटिव हैं कि नहीं? कोऑपरेटिव हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। गाइड अच्छा किया या खजल करवाया? नहीं गाइड नहीं है अभी फिलहाल तो हमारे, अभी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ पहले आ चुके हैं तो इतनी जरूरत अभी तक पड़ी नहीं है और आगे तो जो माता रानी चाहे। अच्छा खाने को क्या मिला जो जम्मू की हमारी फेमस डिशेज है वो खाई ट्राई की? राजमा चावल खाते? हाँ बिल्कुल, राजमा चावल, छोले भटूरे, अभी तो यही किया है, सुबह से आए हैं, मॉर्निंग में ही उतरे हैं हम तो अभी तक तो फिलहाल एक ही डाइट होगी हमारी, हम देखते हैं आगे। चलो लेडीज की ज्यादा पता होता भाई रोटी का तो मैं, आपका नाम क्या पहले? शोभा दवे। अच्छा आप मुझे बताओ राजमा आपने खाए? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे आप लोग कैसा खाना पसंद करते हो, स्पाइसी या फिर लाइट? स्पाइसी खाना पसंद है। टेस्टी स्पाइसी है मैडम। स्पाइसी। अच्छा तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, छोले भटूरे भी हमने खाए वो भी बहुत टेस्टी थे। और सबसे बेस्ट हम जो माता जी के मंदिर में गए थे, कालका माता मंदिर में, वहाँ की व्यवस्था और सब इतनी शानदार लगी कि बस वो मन में बस गया है। बावे वाली माँ, ओ मैं दसने जानी हाँ, ओ ऊपर किला लबारा पहाड़ी दे ऊपर माँ बावे वाली का दरबार हर किसी की पसंद आंदा। और माँ और यहाँ की इतनी ज्यादा मान्यता है कि आप कुछ भी मांगो माता रानी जरूर पूरा कर भी जाएंगे, माता रानी हमको वापस दोबारा बुलाएगी फिर आएंगे, फिर एक बार और आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, जम्मू जड़ा मंदिरों का शहर है, मैं जागी कि तुम
हर एक मंदिर जाइए जरा मथा जरूर टेके सको। और मैं तुसें सारे ही दसना चाहनी, अगर आपको नहीं पता होगा वो जो पीछे आपको दिख रहा है ना वो हरी पैलेस मुबारक मंडी, वो हमारे जम्मू के महाराजा का महल है। और ये जो नदी जो बह रही है इसे सूर्यपुत्री तवी कहते हैं, ये तवी नदी है। जम्मू एकदम सेफ है, जिने लोके लगता यार जम्मू कश्मीर नहीं जाना चाह रहा उसे एक इशू हो रहा है, कख नहीं है, ये भी इधर आए ना, आपको कहीं लगा कि आप अनसेफ हो? नहीं मैडम, अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं, और पहले भी जो टूर हुए हैं उनमें हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि हमको ऐसा लगे कि जम्मू अनसेफ है। मतलब टीवी पे जितना दिखाया जाता है कि ऐसा माहौल है, ये है, वो, वैसा आपको कुछ लगा है? नहीं मैडम, मुझे वो अतिशयोक्ति लगी न्यूज चैनल्स की, और हो सकता है कटरा से आगे कश्मीर में कुछ हो, तो अभी जो न्यूज चैनल वगैरह में और पेपर्स में जो आ रहा है अभी का माहौल जरूर थोड़ा सुन रहे हैं कि अच्छा नहीं है। बाकी जम्मू सेफ? हाँ नहीं, जम्मू तो बेटर है, कश्मीर का पता नहीं मैडम। चलो भाई मैं बस यो आ गई, जेड़े सानू दिखा दे रहा जम्मू जरूर फराटी लाओ, और मां बावे वाली और बाकी जिन्ने भी मंदिर ने, रघुनाथ मंदिर भी है को भी चेता रखियो, तो रघुनाथ मंदिर भी तो जरूर आइए मत्था टेको, साढ़े जम्मू की लोगों के और जान पहचान करो, साढ़ा खान पीन भी खाओ और इतने बार बार तुस आओ। तो फिलहाल तुम मिगी दियो इजाजत, नमस्ते।